लिंग का सही साइज क्या होगा, यानी कि पेनिस की सही साइज क्यों होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि वो कई जगह ये सवाल पूछते हैं कि साइज एग्जैक्ट में क्या होना चाहिए, क्या किस साइज से हमारे पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। गर्ल्स को, गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कितनी साइज में सेटिस्फाई हो जाती है, क्या होनी चाहिए करेक्ट साइजिंग। देखो शर्माना छोड़ो, आप ये सारे सवाल जो है किसी से नहीं पूछ सकते। क्या ये सवाल आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो? सही जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है नहीं। डॉक्टर्स की राय आप नहीं ले सकते जल्दी, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं। अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलती हैं और वहीं आप सच झूठ मान के कन्फ्यूज रहते हो। तो प्लीज़ ध्यान से साइंस के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं और जो है हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या पूछ जाती वो बात ज़रूर सुनो। और इसके लिए चैनल पर हमेशा सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारी अच्छी और बेहतरीन नॉलेज आपको मिलेगी। आपको बता दूँ कि आज के टाइम पर भी लोग इस बात को कहने से शर्माते हैं, लेकिन शर्माना नहीं है, आप कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। अगर सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इतनी ही गलत होती तो क्या इसे बनाया जाता, क्या उसे ह्यूमंस के लिए बनाया जाता? सारी जनरेशन जो भी है वो सारी चीज़ें करते ही हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी होती हैं, इसे शर्माने वाली या फिर इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, नॉलेज सही रखना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है सही साइज? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड मेडिकल साइंस के भी अकॉर्डिंग, इसकी सही साइज जो है 4.5 या 4 inches के आमने सामने मानी जाती है कि इतने ही साइज जो है नॉर्मल होता है। और इससे अगर ज़्यादा है, यानी 6, 7, 8 जितनी भी इंचज साइजेस हैं, वो जो है साइज जो है वो आपका, वो भी आपके अकॉर्डिंग भी अच्छा ही है, यानी नॉर्मल ही है। लेकिन नॉर्मल साइज़ 4 और 4.5 भी हो सकते हैं, 5 inches तक भी हो सकते हैं, यही नॉर्मल साइज़ है। और इंडिया में देखा गया है सर्वे के अकॉर्डिंग कि नॉर्मली साइज़ जो है 4 and 4.5 inches तक की होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिंग के साइज से ज़्यादा मैटर करता है आपकी ड्यूरेशन और आप अपने फीमेल पार्टनर को कितना सेटिस्फाई कर पाते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।